प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में G7 समिट में शामिल होने के बाद भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली के अलुपिया में आयोजित G7 समिट में हिस्सा लिया और वहां आउटरीच सेशन को संबोधित किया। उन्होंने अपनी इटली यात्रा के दौरान दुनिया के कई नेताओं से भी मुलाकात की है। इटली की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने एक के बाद एक अपुलिया में वैश्विक नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिले। इस मुलाकात पर कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ बैठक की और उन्हें भारत को G7 शिखर सम्मेलन में बुलाने के लिए धन्यवाद कहा और साथ ही दोनों देशों के कॉमर्स, एनर्जी, टेलीकॉम जैसे कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर चर्चा की। पीएम मोदी यूके के पीएम ऋषि सुनक से भी मिले और सेमीकंडक्टर तकनीक और कारोबार के मामले में दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने की बात कही। उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों से मुलाकात की और कहा कि साल में ये हमारी चौथी मुलाकात है। दोनों नेताओं ने रक्षा सुरक्षा, तकनीक, AI और ब्लू इकोनॉमी जैसे मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज से भी मुलाकात की और ये 6 तस्वीर दिखा रहे हैं जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के कई दिग्गजों से मुलाकात की। बुलेटिन